फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ एक कांड हो गया। दोस्तों, अपनी जो कार है उसके बोनेट के अंदर चूहा घुस गया था और अभी वो मर गया है। चूहा उसके अंदर ही, शायद किसी ने दवा डाली होगी उसकी वजह से वो अंदर ही जाकर मर गया। लेकिन दोस्तों, हमें एक डर है कि कहीं उस चूहे ने गाड़ी में नुकसान तो नहीं कर दिया। तो चलिए हम चेक करेंगे कि उसमें कुछ हुआ है कि नहीं, और मैं आपको बताऊंगा चूहे से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहले चेक करते हैं क्या कुछ हुआ तो नहीं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चूहे के यहाँ पर बाल देख सकते हैं, शायद ये अंदर कहीं पर गिर गया, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। बहुत ढूंढा हम लोगों ने ऊपर नीचे, लेकिन वो कहीं पर भी दिख नहीं रहा है दोस्तों। और हमें डर है कि कहीं उसने कोई वायर वीर कट तो नहीं की, किसी ने शायद दवा डाली थी इसलिए वो अंदर आके यहाँ पर मर गया। तो हम चेक किए वैसे तो गाड़ी को, गाड़ी में बहुत सारे बाल बिखरे पड़े, यहाँ वहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी उसके बाल पड़े हुए। ओ माय गॉड। दोस्तों, मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, मुझे तो फर्स्ट डर लगा। ये देखिए, अब यहाँ पर एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर दोस्तों, ये पड़ा हुआ है, ये इस कोने में पड़ा हुआ है। दोस्तों, मर गया है उसको शायद, हमने कल उसको ढूंढा था लेकिन हमको नहीं दिखाई दिया, लेकिन आज दोस्तों कैसे यहाँ पर ये हमको मिल गया। दोस्तों, बहुत ही ख़राब फीलिंग हो रही है दोस्तों, और अभी हमको चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसने कुछ नुकसान तो नहीं किया दोस्तों। तो चलिए हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कहीं उसने कुछ वायर वेयर कट तो नहीं किया और गाड़ी को नुकसान तो नहीं हुआ। तो फाइनल दोस्तों, हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं, मैंने अभी की को स्टार्ट किया है और की को ऑन किया है। दो मिनट उसको होल्ड होने के बाद हम चालू करके देखेंगे गाड़ी को, कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई। दोस्तों, ये आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब पूरी लाइटिंग दिखाई दे रही है इसकी, जो कि रेगुलर होती है। अभी तक तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन अभी गाड़ी चालू करने के बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। तो अभी हम इसको न्यूट्रल पर करेंगे और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो डर डर के दोस्तों स्टार्ट किया है मैंने, अगर कोई दिक्कत रहेगी तो पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हम इसके दोनों इंडिकेटर चेक करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडिकेटर चालू है, यहाँ पर ये इंडिकेटर भी चालू है। दोस्तों, हम इसकी लाइट ऑन करके देखेंगे। तो दोस्तों, लाइट भी ऑन हो रही है, अपर डिपर भी हो रहा है। और दोस्तों, ये इसके पावर विंडो, पावर शील्ड है, उसको भी हम ऑन करके देखेंगे। ये साइड राइट साइड का भी ओके है दोस्तों, लेफ्ट साइड का भी ओके है दोस्तों, ये यहाँ पर लाइट चालू है। दोस्तों, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं लकी था कि बच गया दोस्तों थोड़े से में। यहाँ पे एसी बीसी सब चालू करके देख सकते हैं, सब एसी बीसी ऑन है दोस्तों, फॉल्ट नहीं दोस्तों। लेकिन बदबू इतनी, बहुत ज़्यादा बदबू मार रही है दोस्तों गाड़ी में। तो हमें भी गाड़ी को ऑफ करेंगे दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी गाड़ी में भी कोई चूहा कभी आता है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। तो ये देखिए, ये एक स्प्रे मिलता है दोस्तों, ये इंजन का कोटिंग का स्प्रे, जो मारने के बाद भी इंजन में, इंजन की वायरिंग वगैरह में मारने के बाद भी इसमें कोई चूहा वगैरह कट नहीं मारता। तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों स्प्रे है, जो कि मैंने सर्विसिंग के वक्त मारा था, जिसकी वजह से शायद चूहे ने उसकी वायरिंग कट नहीं की होगी। तो आप भी इस स्प्रे को मारिए और आपकी गाड़ी को चूहे से बचाइए दोस्तों, और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों अपने गाड़ी में, अगर आपको मेंटेनेंस नहीं चाहिए और गाड़ी को अच्छी रखना है तो। तो दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है गाड़ी में वो चूहे को देख कर, और बहुत गंदी फील हो रही है दोस्तों। आप भी इस कोट को कीजिए, आप भी अपनी गाड़ी को मेंटेन रखिए, ताकि कोई भी चूहा या कोई भी चीज़ आपके वायरिंग को कट ना करे। ऐसे ही आपको इस स्प्रे को मारिए, नहीं तो मार्केट में और भी स्प्रे मिलते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी, और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं और भी मोटिवेशन वीडियो आपको, कार के इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको देते रहूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।